पीपल, तो आज मैं पता है ऐसी जगह हूँ ना कि लोग अक्सर यहाँ पे आते नहीं है, तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हुई हूँ, है कि नहीं। चलिए तो आपको दिखा देते हैं। सो आई एम एट अटल समाधि। जी हाँ, मैं हूँ अटल समाधि पे। और मतलब मुझे लिटरली बताऊँ, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे ढूंढने में ही बहुत समय लग गया। सब लोग बोल रहे राजघाट से एंट्री है, फिर समहाउ वी रिक्वेस्टेड द सिक्योरिटी गार्ड एंड दे लेट अस इन। तो मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज द पैसेज जहाँ से आप एंट्री करेंगे समाधि के लिए। एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पैसेज, सच अ ब्यूटिफुल। यहाँ पे फ्लावर्स है बहुत प्यारे प्यारे। हमें तो दिल्ली में कुछ नहीं देखने मिलता ऐसा ना, तो हमें तो बहुत आकर्षित लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। दिल्ली में हमें घर में चार गमले लगा ले वही बहुत बड़ी बात होती है। सो यहाँ पर इज अ शू एरिया वे यू कैन पुट ऑफ योर शूज। सो आई एम पुटिंग दिस इज गांधी, नॉट गांधी, आई मीन अटल समाधि। गांधी समाधि हम लोग अक्सर जाते हैं, अटल समाधि नहीं आते, तो गांधी ही निकला है मुझसे। बट दिस इज अटल समाधि एंड सर बहुत ही प्यारी है, मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल सुंदर। एंड दिस इज हाउ इट इज। और अलॉन्ग विद दिस मैं आपको दिखाती हूँ अटल जी के इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पोएम्स हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं उन्होंने। एंड इतनी प्यारी प्यारी पोएम्स हैं ना अटल जी की, देखिए। मैं आपको सारी पोएम्स दिखाऊंगी उनकी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी नहीं था जो मतलब मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। सारी ही पोएम्स मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ सारी पोएम्स। आप पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट वेटिंग वेरी लॉन्गर एट वन पोम। सो दिस इज द पोम। ये बहुत अच्छी पोम है, बहुत ही प्यारी। इस वाली पोम के साथ तो मैंने एक फोटो भी लिया था कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन भी फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। वाह नाइस। मैं सारी पोएम दिखाऊंगी आपको, मतलब मेरा मन है कि आप देखें पढ़ें उनके विचार। गांधी जी के विचार तो आपको अक्सर मिल जाएंगे, सुनने भी मिल जाएंगे। और ये फाइनल वाली, वैसे मैंने आपको ये दिखा दी थी, ये सबसे पहले वाली पोम थी उनकी। सो दिस इज इट। ये बहुत सुंदर सा पैसेज है जिसमें आपके दोनों तरफ फ्लावर्स है, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली बहुत प्यारे से अच्छे से काटा हुआ है ये पेड़, देखिए। और इस तरफ हम अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पैसेज बना हुआ है, रेड फ्लावर्स है दोनों साइड पर। तो ये यहाँ पे मैंने अपना एक वीडियो शूट किया था, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाना बनता है। और एक ब्यूटीफुल सा पेड़ है यहाँ पे, मतलब वो तो बहुत ही पुराना पेड़ था, मतलब उसकी बहुत मतलब लग रहा था कि यार कितना पुराना पेड़ है ये। और देखिए आप यहाँ पर, ये है एक और पेड़,
जी हाँ क्या बता रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, देखो मतलब इट्स हाउ ब्यूटिफुली इट इट हैज़ बीन डेकोरेटेड बाय अदर प्लांट्स। देखिए पूरा व्यू उसका इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये सामने अटल समाधि है, और मैं आपको ऐसे थोड़ा सा राउंड में दिखा देती हूँ क्योंकि मैं सब एंड तक घूम के आई हूँ। सामने कुछ नहीं है, सामने दीवार है, ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा, तो ये सामने कुछ नहीं है, दिस इज़ एंड। और उसके बाद हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक दो लोग मुझे दिख रहे हैं, जब हम अपन आए थे तो कोई भी नहीं था यहाँ पर, मतलब मुझे लग रहा था मतलब ऐसा ना इंडिया से बाहर ही देखने मिलता है आपको कि मतलब क्लीन पार्क्स है, कोई है नहीं वहाँ पे, शांति है। सो इट वॉज रियली नाइस। तो मैं और यहाँ पर बहुत सारी और भी समाधियाँ बनी हुई है, बहुत सारी समाधियाँ यहाँ पे और अलग अलग लोगों की, मुझे तो उनके नाम भी। एक मज़े की बात बताऊँ, हम लोग ना इस पैसेज से आ रहे थे बाहर से, रोड पे से ना, इस सर्विस लेन से, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी CISF ऑफिसर है उन्होंने हमको एंट्री नहीं दिया। फिर हमें पता चला ये तो VIP एंट्री है, तो इस वजह से हमें यहाँ से एंट्री नहीं मिला। फिर हम कहीं और गए और आगे, फिर वहाँ से हमने रिक्वेस्ट किया, वहाँ के जो CISF ऑफिसर हैं उन्होंने हमको परमिशन दिया तो हम एंट्री कर पाए। और जबकि वो जो समाधि है ये वो उस तरफ वाला एरिया अलग है, ये अटल समाधि का एंट्री अलग है। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन। और देखो धूप कितनी निकल रही है, बस दिख रहा है कि है कुछ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर लाइन से तीन समाधि है, ये है, इसके पीछे एक और है, उसके पीछे भी एक और है, और इसी तरह से ना मैं थोड़ा आगे जाऊँगी। और ये जो समाधि है ये श्री PV नरसिंह राव की समाधि है, ये वाली, और सबकी अलग अलग बनी हुई हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं कि इसी तरह से वहाँ पर देखिए एक समाधि वहाँ पर है सामने एकदम, ठीक है। और इधर मैं थोड़ा आगे जा रही हूँ, यहाँ पर भी लाइन से तीन समाधियाँ हैं, तीनों अलग अलग लोगों की हैं ऑफकोर्स, पर नाम एकदम से मेंशन नहीं है। अगर मुझे नाम बताने हैं आपको तो मुझे तीनों पर जाना पड़ेगा अलग अलग, एंड आई एम हेडिंग होम राइट नाउ। तो ये ऐसा है थोड़ा कुछ। ये देखिए ये समाधि, इसके पीछे एक और समाधि है, उसके पीछे भी एक और समाधि है, इस तरह से है ये। और मैं आपको बोर्ड दिखा देती हूँ, यहाँ पर अगर लिखा होगा तीनों लोगों के नाम की इनकी इनकी समाधि है तो आपको भी। ये देखिए यहाँ पर श्री चंद्रशेखर और श्री KR नारायण की समाधि है, ये आगे की तरफ है, और ये है इंद्र कुमार गुजराल, उनकी समाधि है ये वाली। और यहाँ पे डॉगी भी है बहुत प्यारा सा, और ये भाग गया। ये कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं है पर इसकी कटिंग हो रखी है तो इसको स्क्वायर सा कुछ बना रखा है, क्यूबॉइड टाइप। चलिए